वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज हम 22 नवंबर के करंट अफेयर्स को डील करें। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला नेशनल न्यूज जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज ऑन बलि यात्रा। सो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आई थिंक इट इज क्लियर दैट इट हैज समथिंग टू डू विद बाली व्हिच इज इन इंडोनेशिया। ओके चलिए। सो बाली यात्रा इन अ वे मीन्स वॉयज टू बाली। तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये न्यूज में दो रीजंस की वजह से था। सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये जो हिस्टोरिक बाली यात्रा है दिस हैज फाउंड अ प्लेस इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ओके नाउ व्हाट इज दिस बाली यात्रा एक्चुअली। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक सिटी का नाम मेंशन है दैट इज कटक। सो कटक इज इन ओडिशा। ठीक है। सो बली यात्रा क्या है ना, बली यात्रा इज बेसिकली अ वॉयज, अ काइंड ऑफ अ जर्नी विच सिंबलाइजेज द रिलेशन बिटवीन अर्स्ट वाइल कलिंगा एंड साउथ ईस्ट एशिया। गेटिंग द पॉइंट। कलिंगा जो है ये आज भी प्रेजेंट डे ओडिशा में है। ठीक है। तो कलिंगा और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में जो रिलेशन है उसे बली यात्रा सिग्निफाई करता है। अब आप देखो कलिंगा जो है वो हिस्टोरिकली भी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। वी ऑल वेरी वेल नो दैट अशोका लेफ्ट हिज पॉलिसी ऑफ वॉर एंड डिस्ट्रक्शन एंड अडॉप्टेड धमा आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा ओनली। ठीक है। अब आप एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि कलिंगा में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं एंड हिज नेम वॉज किंग खारवेल। ही वॉज फ्रॉम कलिंगा एंड ही वॉज बेसिकली अ जैन। एक और चीज याद रखना कि इन खारवेल वी हैड हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। वी हैड हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। सी द क्वेश्चन दे डोंट कम फ्रॉम द डायरेक्ट न्यूज इटसेल्फ, वो सीधे यहीं से नहीं पूछे जाते हैं, कुछ इनके बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हमें पता है कि बाली यात्रा न्यूज में है और ये कलिंगा और साउथ ईस्ट एशिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस को शो करता है, सो वी नीड टू नो द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कलिंगा द रूलर ओवर देयर एंड सम रिलेटेड इन्फोस। ठीक है। अब नाउ ये जो न्यूज है ये क्यों हम पढ़ रहे हैं ये आप यहाँ देखिए। इसके पीछे का रीजन है कि दिस हैज अचीव्ड अ फीट ऑफ मेकिंग 22,000 पेपर बोट्स इन 35 मिनट्स। ओके। तो ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका मेंशन किया गया, यहाँ पे क्या हुआ है ना कि एक साथ कई लोगों ने, आप देखो यहाँ पे फोल्डिंग ओरिगेमी स्कल्पचर्स, बेसिकली क्या है उन्होंने एक स्क्वायर पेपर को लेके उसका बोर्ड बनाया और कई लोगों ने इसको साइमल्टेनियसली किया है, एक साथ किया है, इसीलिए ये न्यूज में था। और दूसरा रीजन ये भी है कि रीसेंट G20 मीट में व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग द डायस्पोरा इन बाली व्हाट ही डिड वाज ही गेव अ मेंशन ऑफ बाली यात्रा। ठीक है। सो दो चीजें आप यहां से हमेशा याद रखेंगे कि बाली यात्रा न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन मिला है एंड पीएम मोदी हैज टॉक्ड अबाउट इट। तो इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बाली यात्रा क्या है या व्हाट कंट्री डज बाली यात्रा सिग्निफाइज टू। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज दे सकते हैं वो इंडिया, US, UK वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको इंडिया टिक करना। गेटिंग द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार। तो व्हाई वाज दिस इन न्यूज, दिस वाज इन न्यूज बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज गिवन एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द एम्बिशियस 72,000 करोड़ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन ग्रेट निकोबार। सो यू मस्ट बी नोइंग दैट इन इंडिया वी हैव बेसिकली टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ओके। आप ये इस वाले मैप में देखो, इंडिया में इस वाले रीजन में जो आइलैंड है वो बेसिकली वी हैव लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड इन दिस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके। सो यहाँ पे बेसिकली वी हैव अंडमान आइलैंड्स टू द नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड टू द साउथ एंड दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड थ्रू द 10 डिग्री चैनल। सो दिस 10 डिग्री चैनल इज नथिंग बट अ लैटिट्यूड। ये एक लैटिट्यूड है। बहुत बार ये पूछा जाता है आपसे कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को कौन सा लाइन डिवाइड करता है। सो द आंसर इज 10 डिग्री चैनल। ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग दैट द ग्रेट निकोबार आइलैंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द आइलैंड ग्रुप इन अंडमान एंड निकोबार। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द आइलैंड ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो आप। बेसिकली दीज आइलैंड नेशंस दे आर डेवलपमेंट डेफिसिट। यहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा डेफिसिट है, उसके पीछे बहुत सारी रीजन है।
ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो सकता है, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, या फिर प्रेवलेंस ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिटीज हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो आज के डेट में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप दिस एरियाज, और इसी के परस्यूट में वन प्रेस्टीजियस 72,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज बीइंग स्टार्टेड ओवर है। अब हम कुछ उस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है दिस विल बी इंप्लीमेंटेड इन 3 फेजेस ओवर द 30 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रपोजल है कि अ ग्रीन फील्ड सिटी बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एंड अ पावर प्लांट विल बी सेटअप। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रीन फील्ड। सी बेसिकली इन इंफ्रास्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी वी बेसिकली हैव टू काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, वन इज द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड द अदर इज द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसका कि कोई बेसिस नहीं है, या द प्रोजेक्ट विच वी स्टार्ट अफ्रेश, जो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जा रहा है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, यहाँ पे आपको एक हॉस्पिटल बिल्ड करना है, सो दिस विल बी अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि वी ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वी जस्ट नीड टू इम्प्रूव अपॉन इट और मेक सम माइनर मॉडिफिकेशन ऑफ इट। से फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में एक बैरन लैंड है, यहाँ पे हॉस्पिटल है जो एक बहुत डायलिपिटेटेड कंडीशन, एक बहुत ही ब्रोकन कंडीशन में है। अगर हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू रेनोवेट इट, ऑल दोज थिंग्स, वो आता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के डेफिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो बातचीत चल रही है दैट इज ऑन ग्रीन फील्ड सिटी और द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो हम जान रहे हैं कि बीपीएससी ने इस साल नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, सो वी मे हैव स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वी मे हैव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि देर इज अ प्रपोजल ऑफ अ ब्राउन फील्ड सिटी बीइंग क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, और वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो आप सब अब इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग, स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सो दिस बिकम्स ऑल द मोर रेलेवेंट। ओके, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। थर्ड इज रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है। वी ऑल नो दैट इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड इंडिया फेस्ड टू काइंड ऑफ क्राइसिस, वन वॉज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड सेकेंड वॉज शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दोज थिंग्स। और कहीं ना कहीं वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ एलोपैथी और इंग्लिश मेडिसिन। सो इन सबका एक सोल्यूशन या एक ऑल्टरनेटिव जो है वो आयुष निकल के आया। गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल ट्राई टू रोप इन द आयुष डॉक्टर्स, जो कि बेसिकली ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं, सो वॉट डज आयुष स्टैंड फॉर? आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो आप जानते हैं ये सारे के सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के टेक्निक्स हैं जो कि इंडिया में कई सालों से यूज हो रहे हैं। दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ अराउंड 2,000 to 3,000 years, सो इट इज हाई टाइम वी रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ मेडिसिन। तो ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था ना क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन को उसका सबसे पहला यूनानी मेडिसिन इंस्टीट्यूट मिला है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। और वो हमने कहाँ एस्टैब्लिश किया है? सिल्चर, आसाम। आपको पता होगा सिल्चर ऑल्सो हैज एन एनआईटी, ठीक है। अब उसके बाद दिस वॉज इनोग्रेटेड बाई यूनियन आयुष मिनिस्टर सबरानंद सोनोवा, ठीक है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला यूनानी मेडिसिन इंस्टीट्यूट कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है? आंसर विल बी सिल्चर, आसाम, इनोग्रेटेड बाई हूम? सबरानंद सोनोवा। ओके, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। अब हम इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। व्हाट इज दिस स्कीम? सी, इट इज अनाउंस्ड बाय यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ड्यूरिंग द G20 समिट हेल्ड इन बाली, इंडोनेशिया, ठीक है। अब आप देखो कितना रेलेवेंट है। अभी हमने जो हमारा पहला न्यूज आर्टिकल देखा था बाली यात्रा को लेकर, उसका भी सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं G20 था और इसका भी सिग्निफिकेंस G20 है। तो आप अप्रिशिएट करो कि क्वेश्चन G20 से डायरेक्ट शायद ना पूछा जाए, लेकिन यहाँ पे जो एजेंडाज डिस्कस हुए हैं दे ऑल्सो बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट रिसेंटली अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और अ पर्सन ऑफ इंडियन एंटीसिडेंट मिस्टर ऋषि सुनाक, ही वॉज इलेक्टेड एज द PM ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है।
यस इंडीड, अ मैटर ऑफ ग्लोरी फॉर ऑल ऑफ अस। तो इन्होंने ये जो स्कीम बताया है, ये स्कीम बेसिकली क्या है, देखिए ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने बोला है कि यूके विल ऑफर वीजाज टू 3,000 स्टूडेंट्स, ठीक है, हु लिव इन इंडिया टू गो टू यूके। सिमिलर सिंपल भाषा में आप देखो, ये 3,000 बच्चों को वीजाज देंगे जो कि यूके जाएंगे और यूके में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे या फिर वहां पे वर्क करेंगे। और सिमिलरली इंडिया भी 3,000 पर्संस जो कि यूके में रह रहे हैं वो उनको वीजा देंगे ताकि वो इंडिया में आके काम करें। सिंपल है, सिंपल सी चीज है ये। चलिए अब उसके बाद आप देखो यहाँ पे शायद ये चीज नहीं दी गई है, लेकिन आप एक चीज याद रखोगे कि दिस पर्टिकुलर स्कीम वर्क्स इन अ रेसिप्रोकल बेसिस। ये रेसिप्रोकल बेसिस पे काम करता है, जब यूके 3,000 वीजाज देगा तो इंडिया को भी 3,000 वीजा देना है। अब आप देखो, इट वॉज साइंड एज पार्ट ऑफ यूके इंडिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। तो सिंपली आपसे ये पूछ देगा कि रिसेंटली G20 समिट में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप किन दो नेशंस के बीच साइन किया गया है। आंसर विल बी यूके एंड इंडिया। गेटिंग द पॉइंट? सो इट मेड इंडिया द फर्स्ट वीजा नेशनल कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम सच अ स्कीम। बेसिकली इस तरह का जो स्कीम है ना, ये पहले भी मूव किया गया है, लेकिन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गेन सम एडवांटेज आउट ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। ब्लू डायमंड अफेयर। ब्लू डायमंड अफेयर, दिस इज बेसिकली अ थेफ्ट केस, ये एक चोरी का मैटर। यहाँ क्या हुआ हम देखते हैं। अ वेरी हाई प्रोफाइल ज्वेलरी थेफ्ट नोन एज द ब्लू डायमंड अफेयर स्नैप। स्नैप का मतलब होता है काइंड ऑफ ब्रोक डाउन या काइंड ऑफ डाउनग्रेडेड, यानी कि रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आई। किसके रिलेशंस के बीच में? सऊदी अरेबिया और थाईलैंड के रिलेशंस के बीच में। अब देखिए ये बेसिकली क्या है, अ थाई वर्कर स्टोल प्रीशियस जेम्स वर्थ ₹20 मिलियन। सोचो आप, 2 करोड़ डॉलर, 2 करोड़ डॉलर के जो जेम्स होते हैं ना, वो उन्होंने सऊदी प्रिंस फैजल के होम से 1989 में एलिजिडली चुरा लिए थे। और वो जो था वो दैट वाज अ 50 कैरेट ब्लू डायमंड व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव। डायमंड अलोन इज वेरी एक्सपेंसिव, ब्लू डायमंड तो और भी एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि वहां से मिस कर रहा है। तो अब हुआ क्या कि इसके बाद इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कई हद तक इम्पैक्टेड हुए थे। और अभी रिसेंटली जनवरी 2022 में बोथ द कंट्रीज हैव रिज्यूम डिप्लोमेटिक टाइज। ठीक है, सो ब्लू डायमंड अफेयर आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू डायमंड अफेयर्स रिलेट टू विच टू नेशंस? आंसर विल बी सऊदी थाईलैंड। ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड। अब हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ जो गवर्नमेंट स्कीम को देखेंगे दैट इज जल जीवन मिशन। अगेन वाई न्यूज, बिकॉज यूपी हैज साइटेड द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज ऑन जल जीवन मिशन वेबसाइट। यूपी ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं इस मिशन को लेकर। सबसे पहले हम इस मिशन के बारे में बात करते हैं। तो ये मिशन जो है ये अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। गेटिंग द पॉइंट? जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज द जल शक्ति मिनिस्ट्री। अब आपसे बात किया जाए कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू प्रोवाइड 55 लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर पर कैपिटा पर डे टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड। ये सब चीजों पे आप ध्यान देना, थ्रू फंक्शनल टैप हाउस होल्ड कनेक्शन बाय 2024। आसान भाषा में समझिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर पानी दिया जाए, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ रहना चाहिए? वो एक रूरल एरिया में रहना चाहिए। और ये पानी उसको कैसे दिया जाएगा? एक फंक्शनल टैप के थ्रू दिया जाएगा। और ये हमें कब तक कवर कर लेना है कि हर एक हाउस होल्ड के हर एक व्यक्ति को इतना पानी मिल रहा है, जो डेडलाइन है दैट इज 2024। सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट जल जीवन मिशन। आगे देखिए आप, यूपी ने क्या ऑब्जर्वेशन दिखाया। शाहजहानपुर हैज टॉप अक्रॉस द कंट्री इन द एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली आपको यूपी के ऑब्जर्वेशन को उतना ध्यान में नहीं देना है। क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ जल जीवन मिशन विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप इन द एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, द आंसर विल बी शाहजहानपुर ऑफ यूपी। गेटिंग द पॉइंट? लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। अब हम आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो पहला अवार्ड है दैट इज द गांधी मंडेला अवार्ड ऑफ 2022।
सो वाई न्यूज द 14 दलाई लामा, क्या आप में से किसी को पता है इनका नेम क्या है? तो लेट मी राइट इट द नेम, हिज नेम इज ग्याइवा रिन पोचे। कुछ आपको अगर याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। तो बेसिकली द दलाई लामा, जिनके फोटोज हम बहुत बार इंटरनेट पे देखते हैं, ठीक है, ही वॉज कन्फर्ड दिस अवार्ड, ठीक है, और ये अवार्ड को कहाँ कन्फर किया गया है? इन धर्मशाला। और आपको पता है इंडिया में ये इनका सीट भी है, द पीपल ऑफ तिब्बतियन ओरिजिन, ये बेसिकली धर्मशाला में ही रहते हैं। अब हम कुछ अवार्ड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो अवार्ड है ना, दिस इज गिवन बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन विच इज बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली, ओके, एंड दिस अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड ऑन द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट, दलाई लामा ही इज द रेसिपियंट ऑफ 1989 नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। कुछ और ट्रिवियल डेटा रिलेटिंग टू नोबेल पीस प्राइज, महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज नॉट अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। इसके बारे में जो पोलिटिकल डिबेट है हमको वहां नहीं जाना है। अब नोबेल प्राइज इन जनरल, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ नोबेल प्राइज, हिज नेम वॉज रॉन्गेटन, द डिस्कवर ऑफ एक्सरेज। ये कुछ ट्रिवियल डेटा है रिलेटिंग टू द नोबेल प्राइजेस। लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022, वाई न्यूज, बिकॉज ऑथर खालिद जावेद हैज वॉन द 5th एडिशन ऑफ द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये प्राइज उन्हें किस बुक के लिए मिला है? द पैराडाइज ऑफ, ठीक है, दिस बुक वॉज ओरिजिनली रिटन इन उर्दू बट इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय बरन फारूकी, ठीक है, एंड द बुक वॉज ओरिजिनली पब्लिश एज नेमत खाना। ये उर्दू में पब्लिश की गई थी ना, तो उर्दू में जो इस बुक का नाम था वो है नेमत खाना, जिसे कि फिर ट्रांसलेट किया गया है, एंड हु हैज ट्रांसलेटेड इट? बरन फारूकी, एंड इट्स इंग्लिश नेम इज पैराडाइज ऑफ फूड, द नेम ऑफ द अवार्ड इज जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, ओके। चलिए लेट अस नाउ सी सम रैंक्स एंड इंडेक्सेस। सबसे पहला है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ना, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय फॉर्चुलेंस इंस्टीट्यूट इन वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो अगर कोई भी इंडेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें तीन चीजों के बारे में याद रखना। सबसे पहले द इंस्टीट्यूट और द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द इंडेक्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन विच इट कंप्यूट्स, एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट परफॉर्मिंग स्टेट और नेशंस, एंड फोर्थ इज पोजिशन ऑफ इंडिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाला जो रीसेंट एडिशन है 2022 का, इसमें इंडिया ने अपनी पोजिशन को 6 स्लॉट से इंप्रूव किया है और अब उसकी रैंकिंग है 61। गेटिंग द पॉइंट? अब आप देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल गया, फॉर्टिलेंस इंस्टीट्यूट बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी, रैंक ऑफ इंडिया 61, इंप्रूवमेंट ऑफ 6 स्लॉट्स। अब इसके चार पैरामीटर्स हैं, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट, ठीक है। अब आप देखो इंडिया हैज इंप्रूव इट्स स्कोर। अब क्या होता है ना, क्योंकि ये एक इंडेक्स है, हर एक इंडेक्स में एक स्कोर होता है और उस स्कोर के प्रपोर्शन में आपको रैंकिंग दी जाती है। इंडिया का जो स्कोर है वो इस ईयर के एडिशन में 51.19 है और लास्ट ईयर के एडिशन में इंडिया का स्कोर था 49.74। अब आप देखो इंप्रूवमेंट इन स्कोर हो रहा है, यही चीज ऊपर बताई गई है, 6 स्लॉट से इंप्रूवमेंट हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? अब आप देखो इसमें एक और कैटेगरी है, ग्रुप ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, यहां पे इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज थर्ड आउट ऑफ 36 इन द ग्रुप, और थर्ड इंडिया है तो फर्स्ट में कौन है? यूक्रेन। जस्ट इमेजिन, यूक्रेन इज गोइंग थ्रू सच अ रफ पैच, रशिया यूक्रेन वॉर इज एट इट्स पीक, स्टिल लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में यूक्रेन इज द मोस्ट नेटवर्क रेडी नेशन। नेटवर्क रेडी मींस वहां का जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज अप टू द मार्क। और अगर हम ग्लोबली देखें सो द टॉप पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय नन अदर देन यूएसए इटसेल्फ। आप फर्स्ट और सेकंड भी याद रख सकते हो, फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज सिंगापुर, ओके। इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज, कल भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखे थे। वर्ल्ड हेरिटेज वीक ऑफ 2022, मार्क द वीक नवंबर 19 टू नवंबर 25। अब हेरिटेज है, आप कुछ इसमें कैलकुलेटेड गेस वर्क भी कर सकते हो, ये यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इंडिया में जो बॉडी इसे सेलिब्रेट करती है दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
एंड हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे? मिस्टर अलेक्जेंडर कनिंगहैम। ओके, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का न्यूज देखते हैं। सिक्योरिटी के न्यूज में द वन एंड ओनली न्यूज इज एयर फेस्ट ऑफ 2022। अगेन, व्हाई इज इट इन न्यूज? बिकॉज एयर फोर्स हेल्ड द फेस्ट इन 2022, शो केसिंग मनूवरिंग ऑफ प्लेन एंड हेलीकॉप्टर ऑन नवंबर 19। अब यहाँ पे देखो आप, मनूवरिंग क्या होता है? मनूवरिंग बेसिकली होता है, दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री द प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स फॉलो। मनूवरिंग का मतलब होता है, मान के चलो मैं आपको एक यहाँ सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। एक हेलीकॉप्टर है, ये एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तभी इसे पता चलता है कि सामने से एनिमी फायर आ रहा है और अचानक से ये अपने ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देता है। दिस इज नोन एज मनूवरिंग। तो इस मनूवरिंग के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, वी नीड टू प्रैक्टिस, और यही है एयर फेस्ट ऑफ 2022। ठीक है, अब वेन्यू क्या था इसका? हेडक्वार्टर्स ऑफ मेंटेनेंस कमांड, वायुसेना नगर इन नागपुर, और इट वॉज हेल्ड इन लाइन विथ आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें जो हैं वो 75-75 से कोइंसाइड हो रही हैं, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें कि हम 75 देख रहे हैं। कुछ दिन पहले डिजिटल बैंकिंग यूज में था, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि दे आर ट्राइंग टू ओपन 75 डिजिटल बैंक्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो आजादी का अमृत महोत्सव इज द मेन थिंग ओवर है। ठीक है, चलिए आगे। अपॉइंटमेंट्स, अरुण गोयल, नाउ ही इज एन रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, बट द मेन थिंग इज दैट ही टुक चार्ज एज इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, हमने कल ही देखा था कुछ इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज के बारे में। कल हमने देखा था जो न्यूज आया था कि नेपाल इलेक्शन में द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज बीन चूजन, हैज बीन इनवाइटेड टू बी एन इनफॉर्मल प्लेयर और इनफॉर्मल ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये न्यूज में चलता ही है। अगेन, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि इलेक्शन कमीशन से डील करता है? आर्टिकल 324। जस्ट लर्न इट। ओके, अब बिफोर बिकमिंग द इलेक्शन कमिश्नर, व्हाट वाज हिज डेजिग्नेशन? ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड। सम बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ देखो आप, जो बुक है उसके उसका नाम है द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री। वाई न्यूज? दिस वॉज बिकॉज ब्रिटिश हिस्टोरियन साइमॉन सिबेग मॉन्टेफोर हैज रिलीज दिस बुक। तो बेसिकली आपको इससे एक ही चीज जानना है, द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री इसके राइटर कौन है? सो द राइटर इज साइमन सेबेग मॉन्टिफ्योर। बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, राइटर साइमन सेबेग मॉन्टिफ्योर हु हैज रिटन द बुक द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री बिलोंग्स टू विच नेशन? ऑप्शन में दे देगा ब्रिटिश, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस। तो ये दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। नाउ सम न्यूज ऑफ स्पोर्ट्स, अभी तो एक ही चीज चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप कतर। यहाँ एक नया डेवलपमेंट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर जगदीप धानकर हैज अटेंडेड द फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, यहाँ एक और इशू हाईलाइट किया गया था, सम नेवी ऑफिसर्स, ठीक है, दे आर अरेस्टेड एंड दे आर केप्ट इन प्रिजन्स इन कतर। तो ये एक थोड़ा सा मैटर ऑफ डिस्प्यूट है। ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। कुछ स्टेट्स एंड यूटी से न्यूज देखते हैं। पेंशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, सिमिलर न्यूज, बहुत ही सिंपल न्यूज है। महाराष्ट्र जो है उसने डिसाइड किया है कि वो फ्रीडम फाइटर्स के पेंशन को डबल कर देंगे। सो अर्लियर दे यूज टू गेट ₹10,000, नाउ दे विल गेट ₹20,000। दैट्स इट। कुछ बिहार रिलेटेड न्यूज, यहाँ देखो आप, फिल्म प्रोडक्शन इन बिहार। तो बेसिकली क्या है ना कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को स्टेट्स और नेशन इंडस्ट्री स्टेटस देते हैं, और जब किसी भी सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस मिलता है तो उनको बहुत सारी रिबेट, बहुत सारे एग्जेम्पशन दिए जाते हैं। दैट कैन बी इन द मैटर ऑफ टैक्स ब्रेक्स और सम रैशनलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ वगैरह वगैरह। तो इसीलिए अभी रिसेंटली फिल्म प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस देने का डिसाइड किया है। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं हम। आर्ट, कल्चर एंड यूथ डेवलपमेंट हैज मेड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द नोडल एजेंसी फॉर दिस। तो फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, दैट इज द नोडल एजेंसी। और जो बिहार पवेलियन है, इट वॉज बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था?
अवर वेरी ओन एक्टर मिस्टर पंकज त्रिपाठी। ठीक है, नाउ सम रैंडम आइसोलेटेड पॉइंटर्स, सम फैक्टॉइड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, विच बैंक हैज साइंड अ लोन अग्रीमेंट ऑफ 150 मिलियन यूरोज विथ जर्मन डेवलपमेंट बैंक टू फाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट्स? आंसर इज SBI। तो SBI ने क्या किया है, SBI ने बेसिकली एक जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है। फॉर वॉट ऑब्जेक्टिव? फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। अगेन देखिए, काशी तमिल संगम विच स्टार्टेड ऑन नवंबर 17 इन वाराणसी, ये किस प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? अगेन आजादी का अमृत महोत्सव। लेट अस प्रोसीड। विच स्कीम विल बी लॉन्च बाय तेलंगाना गवर्नमेंट इन द स्टेट फ्रॉम जनवरी 18, 2023? आंसर इज कांति वेलुगु। तो कांति वेलुगु जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? फ्रॉम तेलंगाना स्टेट। एक और, एनएचआरसी, एनएचआरसी स्टैंड फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हैज इशूड अ नोटिस टू विच स्टेट ओवर रिपोर्टेड लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू द एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन? पंजाब। तो पंजाब स्टेट जो है यहाँ पे लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू एजुकेशन फैसिलिटीज है, इस इशू को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने हाईलाइट किया है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड 3 ट्रांसजेंडर्स एज टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल? आंसर इज कर्नाटका। और वैसे भी हम देखा जाए तो साउथ इंडिया हैज बीन चैंपियनिंग द कॉज फॉर LGBTQ कम्युनिटी फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, तो ये इसमें आप एक्स्ट्रा स्टार मार्क कर दें। ठीक है, इन विच स्टेट डिड PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट धोनी पोलो एयरपोर्ट? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हु हैज वॉन प्रो एम इवेंट ऑफ सर्वो मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट? आंसर इज मिस्टर विनय यादव। लेट अस कम टू इसरो। इसरो हैज कंडक्टेड इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एंड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो ये बेसिकली इन्होंने कहाँ किया, ये क्या होता है ना, अभी आपको पता है गगनयान प्रोजेक्ट, बेसिकली दिस इज अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जहां पे हम ह्यूमंस को भेजने की बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसका एक टेस्ट है इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट, जो कि कहाँ कंडक्ट किया गया, ये कंडक्ट किया गया है बबीना फील्ड फायर रेंज विच इज इन झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP। ठीक है, हु हैज बैग द सुपर स्टार ऑफ द डिकेड एट द फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अवार्ड? आंसर विल बी रणवीर सिंह। याद रखना आप, सुपर स्टार ऑफ द डिकेड एट फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अवार्ड। ओके, एंड लास्ट इवेंट फॉर द डे, द लास्ट पॉइंट इज वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? नवंबर 21। सो दिस इज इट फॉर द डे, वी विल मीट टुमारो विद सम मोर न्यूज एंड सम मोर न्यूज आइटम्स। थैंक यू वेरी मच।